दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें, ज्यादा नहीं। दोनों पैरों को अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं, अपने योग प्रशिक्षक को देखते जाएं, 10 से 15 सेकंड तक रुके उसी स्थिति में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर कोई फोटोग्राफर हो तो इस स्थिति में फोटो लेना चाहिए ताकि लगे लोगों को कहा क्या शानदार ताड़ासन किया जा रहा है। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों में रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक होता है। ये आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अगले आएगा, जगह के 5 सेकंड तक आराम देना है। स्थिति ये देखिए, बहुत आराम से करें, क्योंकि कई लोग जो है ना एक पांव पे अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि एक दिन में योगा नहीं किया जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। शरीर के साथ जाप्ती नहीं करें। बहुत सुंदर। देखिए, ये आसन तंत्रिका तंत्र को, स्नायु तंत्र को समन्वय से बेहतर बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को गठिला बनाता है और लिगामेंट को सुदृढ़ करता है। जिनके घुटने दर्द करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया आसन है ये। फिर एक बार अपने शरीर को आराम दें। आगे की ओर झुकें, बिल्कुल धीरे धीरे अपने उंगलियों को अंगूठे को छूने का प्रयास करें पांव के। देखिए साहब, ये 3 साल का असर है, 3 साल से योगा में मुझे लगता है विधायक महोदय भी काफी दिनों से झुके नहीं है, और विधायक महोदय ने बहुत सुंदर, मैं इनका योग शिक्षक भी रहा हूँ, बहुत सुंदर योग करते हैं, कई सालों से करते हैं, लेकिन पता नहीं अभी 3 साल से कोरोना में इन्होंने किया नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपने 10 प्रशिक्षक को देखें, गुड़िया को देखें और पीछे की ओर झुकें, जितना झुक सके आराम से, शरीर को कष्ट नहीं दे, आराम से धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। पुनः एक बार दोहराएं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कई लोग तो पीछे की ओर झुकना ही नहीं जानते। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकना चाहिए पहले। बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिए, हमारे उपखंड अधिकारी जी महोदय बहुत ही सुंदर ढंग से योगा कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, त्रिकोणासन करने से पैरों के तलवों से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं वो दूर होती है, कमर को मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, जो ज्यादा बैठने का आराम से बैठे। सबसे पहले अपन करेंगे भद्रासन, जिसे कहते हैं कि भद्र व्यक्ति जो बैठता है और बैठ करके अपने 10 प्रशिक्षक की ओर देखते रहे। दोनों पैरों की एड़ियों को दांगों को नहीं छुपा रही है, ये पट्टी से नहीं लगी हुई है, तो सारे जो घुटनों के नीचे एक मुलायम कुशन रखना चाहिए, उसके बाद भी किया जा सकता है। सबसे बढ़िया इसका फायदा है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनको भद्रासन जरूर करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनका दर्द कम होता है। महिलाओं को महिला रोगों से भी मुक्ति दिलाने में ये आसन काफी फायदा करता है। अगला आसन है वज्रासन। जिनके घुटने का ऑपरेशन हो रखा है वो कृपया बचे इससे। दोनों एडियां के ऊपर अपना नितंब आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के पश्चात भी किया जा सकता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसको आराम से करना चाहिए। कई लोगों के घुटने पूरे पीछे मोटे नहीं है,
इनको धीरे धीरे प्रयास, बिल्कुल धीरे धीरे करने वाला आसन है। दोनों हाथ पीछे की तरफ अपने कमर पे रखें और जितना हो सके पीछे झुके। ये अभ्यास गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को हटाता है, सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाता है और हृदय रोगियों के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जिनको हर्निया है, आर्थराइटिस है, चक्कर आता हो, उनको इस आसन से डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। आप लोग देखें, प्रयास करें, क्योंकि अपन 3 साल से प्रयास में नहीं है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप हमें 10 प्रशिक्षक को देख करके कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस रिलैक्स रहे हैं, वापिस एक बार प्रयास करें, एक बार और करें। बहुत सुंदर, बैठेगा। धीरे धीरे अपने शरीर को पूर्व स्थिति में लाएं, शरीर को रिलैक्स करें। अगला जो आसन है वो शशांक आसन है, खरगोश की स्थिति देखें और उसको देखने के बाद धीरे धीरे करें। देखिए ये आसन जो है मानसिक तनाव को कम करता है, पाचन क्रिया को बहुत शानदार बनाता है, पीठ दर्द से छुटकारा देता है। धीरे धीरे करें, ये मेरे प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब भी आप मानसिक तनाव में हो, दोनों हाथ ऊपर करें और हथेली जो है रीढ़ की हड्डी के पास करनी चाहिए, पीछे की तरफ। उत्तान मंडूकासन, मेंढक की स्थिति होती है। ये फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जिसको लगता है कि मेरे सांस की पल्पिटेशन पूरा नहीं है, उन लोगों के लिए शानदार आसन है। बहुत सुंदर,